नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और कुछ बोलने से पहले सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो काफी दिनों के बाद चैनल पे एक व्लॉग आया है। पिछले काफी सारे दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनके वजह से मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। तो आज सोचा क्यों ना मैं आज से स्टार्ट करूं, क्योंकि आज का जो मौका है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। तो आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे बस छोटा सा करके ही मैंने पूजा स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता ही होगा जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। तो हाय, दिस इज विनीता, मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी हूँ। और हमारे कम्युनिटी में क्या होता है, जो जन्माष्टमी होता है, रथ यात्रा होता है, ये सारी जो ओकेशन होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अकेली जैसे रहती हूँ तो मैंने कैसे प्रिपरेशन लिया है और क्या क्या चीजें मैंने किया है। चलिए वीडियो में देखिए। और क्योंकि जन्माष्टमी है तो बारिश तो होनी ही बनती है। तो देखिए, आसमान का नज़ारा कुछ ऐसा है कि बारिश बस होने ही वाली है। सुबह से, इनफैक्ट कल रात से ही बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों से। एंड अभी थोड़ा सा कम हुई है, बट फिर भी आप लोग आई थिंक देख पाओगे कि कितने सारे आसमान में बादल है। तो जस्ट लाइक द जन्माष्टमी वाइब्स, यू नो। यहाँ पे मैं सब कुछ अभी रेडी करके रखी हूँ। ये मैं मटर पनीर में ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर में यहाँ पे ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ पे पनीर मैंने मैरिनेट करके रखा है टर्मरिक, नमक, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट से। यहाँ पे मैं पुलाव बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने कैप्सिकम, गाजर और बीन्स एंड जो हरे मटर होते हैं उसको मैंने अच्छे से मतलब रखा है। ये वाला जाएगा मटर पनीर में। यहाँ पे मैंने बैंगन कट के रखा है, दो तीन बैंगन फ्राई बनाऊंगी। बासमती चावल यहाँ पे मैंने भिगो के रखा था। और यहाँ पे बन रही है सेवई, जो बोलते हैं। और क्योंकि मैं तो वैसे पूरा अच्छे तरीके से मैं कर नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने बस फ्लावर्स वगैरह लाए हैं। यहाँ पे तुलसी पत्ता वगैरह है और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स लाए हैं और मिठाई फ्रिज के अंदर है। एंड ये मैं बस कॉर्नर साफ करूँगी अभी नहा के। ये जो मैंने शिवरात्रि में दिया था वही यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं फेंकूँगी बोल के और नहीं फेंक पाई। और यहाँ पे ये वाला सब कुछ साफ करूँगी नहा वहा के। तो यहाँ पे मटर पनीर ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। तो अभी और थोड़ा सा सूख जाए, अरे यार, तो बस और थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी इसको। एंड उसके बाद मैं पुलाव बनाऊंगी। और इधर सेवई जो है वो हमारा पूरा रेडी है। बस मुझे अभी पुलाव बनाना है और ये ब्रिंजल जो है वो फ्राई करना है। Oh, yeah.
पूजा वगैरह सब हो गई है, अभी बस थोड़ी देर बाद हम लोग प्रसाद खा लेंगे। हम लोग बोलते, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है तो वही कैमरा के पीछे है तो वही वीडियो बना दे रही थी। तो एक्चुअली हम लोग का काफ़ी मतलब ये जो जन्माष्टमी है, मतलब वी आर क्लोजली रिलेटेड टू, मतलब हमारा जो कम्युनिटी है वी आर क्लोजली रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। एंड तो इसीलिए यू नो ये सारे जो ओकेशन होती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंड आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट टाइम भी मैंने जन्माष्टमी रिलेटेड एक ब्लॉग किया था, जहाँ पे मैंने हमारा जो कम्युनिटी है उसका उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने पहना है, ये आई नो दीज आर नॉट परफेक्ट, बट क्या होता है कि मतलब उतना मैं कर नहीं पाई जितना हो सके मैंने किया, क्योंकि इसमें मेरे पापा जो है वो बहुत एक्सपर्ट है, मतलब वो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बना देते हैं। तो मेरे मतलब मेरा माई हैंड्स आर वेरी मतलब शेकी हैंड्स, तो इसीलिए मैं उतना अच्छे से कर नहीं पाई, बट कोशिश किया करने के लिए, क्योंकि मैं हर साल जन्माष्टमी मनाती हूँ। एक टाइम था जब मैं फास्टिंग वगैरह करती थी, बट ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ मैं अभी और फास्टिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, बट मैं वेज खाती हूँ। एंड इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ दिखाया था पहले कि मैं वेज में क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ। पुलाव बनाया था, मटर पनीर बनाया था, और सोचा था कि ब्रिंजल फ्राई करूँगी, बट उसके बाद और मन नहीं किया बनाने के लिए। तो इसीलिए एनीवे आई रियली होप कि आज का जो छोटा सा व्लॉग है जन्माष्टमी स्पेशल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब से चैनल पे रेगुलर व्लॉग आएंगे, आई प्रॉमिस। आई नो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात, बट अब से सीरियसली चैनल में व्लॉग्स आएंगे। एंड गेस व्हाट, जो नेक्स्ट कॉन्टेंट है वो भी रेडी है। इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। दीज आर सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि मुझे आज ही रिसीव हुए हैं। एंड टिल देन अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी जन्माष्टमी, राधे कृष्ण, बाय।